everybody, I'm here with another vlog. आज सारे पैसे जो हैं मौसम के, मौसम भी अच्छा है। Finally, finally मैं पहुंच चुका हूँ Gangnam Square फेस्टिवल। आज सियोल फेस्टा, स्टॉल लगे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, पुलिस भी खड़ी हुई है। लग 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 स्पेशल लुक बनाए लेके जाते हैं, चिल करते हैं, बाहर निकलते हैं, काम सारी जिंदगी करेंगे। और अभी बाबा गोंगनंग पे पहुंच गए हैं। तो ब्यूटी स्टॉल भी लगी हुई है, चेक कर सकते हैं बैक साइड पे। आई डोंट नो ये क्या है चीज़, क्या ट्रेन का छोटा सा डब्बा इन्होंने लगाया हुआ। और वाओ, सियोल ड्रामा जो होता है उनके लोग भी यहाँ हैं, चेक कर सकते हैं। वाओ, मतलब उन्होंने ऐसे स्टॉल बनाए हुए छोटे छोटे, ये चाहिए, ये देखने वाली चीज़ है। BTS भी है भाई, ये बाबा जी हैं जो ये दिखाते हैं आपको, आपके हाथ देखते हैं। अंग्रेज भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने हाथ दिखा रहे हैं बाबा गोंगनम को। अच्छा, ये बाबा गोंगनम है ये स्पेशल नाइस तकरीबन जो है वो 600 साल पुराना है ये स्क्वायर। बाबा जी जो हाथ खड़े रखे हुए हैं ना, इन्होंने ये 600 साल से बैठे हैं। अभी लोग कम है, बट सियोल फैशन का है स्टॉल अलावा। ये सियोल ड्रामा है, ये सियोल टाइगर बस है। एक वो लास्ट में बाबा जी खड़े हुए हैं, ये स्टार्टिंग वाले बाबा गोंगनम में ये बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा गोंगनम। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मैं अपना छतरी भी लेके आया हूँ साथ। यहाँ पे छतरी ना लेके आओ, यहाँ पे कोई आपको छतरी के नीचे नहीं आने देता, अपनी छतरी साथ रखनी पड़ती है। ये वो देख के पीछे सबने उठाई है, मतलब वहाँ पे आपको छतरी ही स्पेशल यहाँ की कोरिया की है, ट्रांसपेरेंट छतरियाँ। आपको खोल के दिखाता हूँ, ट्रांसपेरेंट छतरी अपनी सर पूरा कोरियन स्टाइल। पीछे भाई ने स्टाइल बनाया है, आपको दिखाता हूँ, उसके पास तो ही जाके दिखाता, गुजरते हुए दिखाऊंगा आपको। ये गैंगस्टर लुक, इसने भूत बनाया है। ये नीचे जाने का रास्ता मेरे ख्याल में, यहाँ से बंदा पीछे जा सकते हैं। बड़ी प्यारी जगह है, कोरियन या कोरियन फेस्ट है ना, फेस्टिवल चल रहा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ पे तो तब भी फेस्टिवल था, लेकिन बैग भी अच्छे हैं यहाँ पे, लेने वाले हैं, देखने वाले नहीं हैं, लेने वाले हैं। बड़े प्यारे प्यारे बैग हैं। अच्छा, ये एक्चुअली यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ ऐसे बैग पहनते हैं दोनों, ये यूनिसेक्स है। सामने मेरे ख्याल में नेशनल म्यूजियम, कोरियन नेशनल म्यूजियम है सामने। स्वीट्स हैं यहाँ की, कोरिया की स्पेशल स्वीट्स। ये एक्चुअली इंट्रेंस है इनकी, सियोल में नहीं, ये फेस्टिवल हो रहा है हर जगह पे, गैंगनम साइड पे, म्योंगडोंग साइड पे, वांग स्क्वायर, इतोवन, हर साइड पे कहीं ना कोई कोई शक्ल मेला लगा हुआ है। मैंने अभी सोचा है कि मैं गैंगनम के बाद यहाँ से गैंगनम स्क्वायर के बाद फिर मैं जाऊँगा नेक्स्ट म्योंगडोंग मार्केट, या उधर या वांगपू साइड में, जिस भी फूल थे वहाँ पे आज ड्रोन शो होने वाला है। मैंने कहा चलता हूँ, मैंने ऊपर कुछ भी नहीं पहना, और सर्दी सर आज बड़ी बड़ी हाई क्लास की सर्दी है। सर्दी ये चेक करें, सारे मेरी मूछों को देख रहे हैं यहाँ पे। तो पंजाबी लोग तो फिर आप मॉल बनाना पड़ता है सर, खुद मॉल बनाना पड़ता है, यहाँ को कोई बना के नहीं देता मॉल सारा खुद। वो सामने ऊपर BTS वाले सारी फुल मॉल बनाया उन्होंने, और BTS वाले पोस्टर लगे हुए उनके। सर जिंदगी ये गुजार रहा है, जिंदगी ये काला गुजार रहा है यहाँ पे सारी। ये तो शादी करके बच्चा सारी मिक्स, ये क्या चीज़ है? ईगो ईगो, व्हाट इज दिस?
फैन नहीं होते छोटे छोटे, मैं इसको लगाता हूँ, निकाल के लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टोपी के ऊपर लगाऊंगा और इसको खोल के चेक करते हैं। खैमे शैमे भी चल, पूरा माहौल बनाया था। मैं आई थिंक लेट आया हूँ, बट कोई नहीं, चल सारी हो रहा है। साइड पे होगी, फैन बनाते हैं, वो साइड पे चलते हैं, फैन बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चलता हूँ। कोरियन की सबसे अच्छी बात जो है ना, वो इनकी एक तो ड्रेसिंग सेंस, और दूसरा ये जो भी छोटा सा भी कोई फेस्टिवल आता है ना, उसको बड़े बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब सेलिब्रेट करना इनसे कुछ सीखी, सेलिब्रेट ये करना जानते हैं। छोटा सा भी कोई फेस्टिवल आता जाए, बस इनको पता चल जाए कि फेस्टिवल को आ रहा है, तो ये जो सेलिब्रेट करते हैं और ये सारे निकलते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता सर, दिखा सकता हूँ, बता नहीं सकता। थोड़ा आगे जाते हैं, आपको दिखाते हैं अभी ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है घर। हमने 3D स्क्रीन भी लगी और बच्चे भी खेल रहे हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है, मौसम अच्छा है, लेकिन यार थोड़ी थोड़ी सर्दी है आज। तो मैं कुछ नहीं है, पाकिस्तानी अपने भाई लोग इस तरीके खड़े हैं, सारे चिल कर रहे हैं। स्कूल के ड्रेसेस हैं, ये आपका सामने भाई, पीछे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टीचिंग भी कराएंगे इस तरह, पूरा माहौल बनाया हुआ है। अंकल ने स्कूल को लुक दी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, स्कूल को पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे के ड्रामास में जो स्कूल दिखाए जाते हैं ना, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। और ये स्कूल ड्रेसेस हैं। यहाँ पे रात को हो रहा है कंसर्ट, आई थिंक ये पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं रात को। और वो सामने बालून लगा हुआ है, मैंने इसको अभी वीडियोस पिक्चर्स में देखा है कि फेस्टिवल में गोंगनम स्क्वायर पे, हाँ चाचा गोंगनम को ना देखें, बाबा गोंगनम को ना देखें, और दूसरा बालून लगाए वो ना देखें, मज़ा नहीं आ रहा सर, चश नहीं आ रहा। बहुत बड़ा सर टेडी बियर लगाया हुआ है, जहाज जितना है टेडी बियर है। ये ककाओ ककाओ नहीं, यहाँ पे ककाओ ऐप और ककाओ बनाया गया, जेली गोम शूल फेस्ट का ये साइन बनाया गया। अच्छा एक और सीन, यहाँ पे लाइन में लगे हुए बंदे सामने पीछे पिक्चर लेने के लिए, वो यहाँ पे लड़के जा रहे हैं और लड़कियाँ जा रही हैं, वो दरमियान में खड़े होके पिक्चर लेने के लिए बंदे लोग लाइन में लगे हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये मज़ा आ रहा है। मैं एग्ज़िट लूँगा, एग्ज़िट लेने से पहले मैंने कहा आपको गोंगनम स्क्वायर की जो फ्रंट वाली साइड है वो चेक करवा देता हूँ। सारे सर मूछों को चेक कर रहे हैं, मूछे मतलब पाकिस्तानी स्टाइल है ना, मूछे सर पंजाबी हो तो मूछे ना हो, फिर ये पंजाबियों की शान मूछा मुछा सा रख लिया उन्होंने, मुछ रख लिया, चॉकलेट चाहती है, ये दूसरे बाबा जी हैं तलवार लेके स्टडी स्ट्रेट तलवार लेके खड़े हैं। जी बच्चों की तरह इनको पालते हैं। हमारी साइड बेचारे लूर लूर घूम रहे होते हैं, यहाँ पे बच्चों की तरह इनका। यहाँ पे आप किसी पेट को नुकसान पहुँचाओ सही, आपको डिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हुआ है, ये मेरे सामने नहीं हुआ लेकिन मुझे पता चला है कि यहाँ पे पेट को वो सिर्फ उसने वो उसकी से साइड पे आया, उसने किक की है पेट को, नीचे पीछे जा रहे हैं, किक किया उन्होंने, रिपोर्ट कर दिया उस्ताद जी पेट को किक करो रिपोर्ट सीधे घर वापस। यहाँ से मेरे दिल है, यहाँ से जाऊँ इस साइड से, उस साइड से भी जा रहे हैं लोग, लेकिन सर मुझ पर पंजाबी हो तो मुझ ना हो कितने हो सर, मैं भी पाकिस्तान ना सियालकोट, मैं चकवाल ना यार, किदा किदा हैं कौन तुसी? मैं लग रही चकवाल ना वो चैनल सर लाइव जा रहे हैं, लाइव ना जा रहे, मैं व्लॉग बना रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, हाय कर दो पाकिस्तान सारे। एग्जिट लूंगा मैं अभी सीधा सर, जन्नत है ये, जन्नत आर्टिफिशियल जन्नत बनाई गई है। अभी मेरा दिल है म्यांमार जाऊं, तो मीन स्ट्रीट पे आज फूड फेस्टिवल है, मैं आपको सारा दिखाऊंगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आधा दिखा चला जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। माहौल तो फुल बनाना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम,
एक दूसरे को पोजीशन नाप ली है चार पोजीशन मैंने पकड़ ली है। ट्रेन अभी नहीं आई, मैं सीधे ट्रेन में ही साढ़े बजे, लेकिन ट्रेन नहीं आई अभी। देखो अपनी कल्चर नहीं भूलना चाहिए, कल्चर ये है कल्चर हमारा, बैठो भाई बंदा थक जाए बंदा बैठ भी सकता है, अंदरूनी मंजिल तभी ये ठीक है सारा। इसने मुझे बड़ा तंग किया, अंकल घोरियाँ डाल रहे थे। फाइनली म्यांगदोंग तो मैं पहुंच गया, अब इस साइड पे जाना है। डुग डुग डुग। गन साथ होनी चाहिए आपकी सलामी के लिए। पहुंच गया उसी मैं म्यांगदोंग स्ट्रीट, वो सामने सामने जी नामसम टावर, सियोल टावर लिमिटेड, वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, म्यांगदोंग से सही नज़र आता है। तो मैंने आपको स्ट्रीट दिखानी है आज, म्यांगदोंग फूड स्ट्रीट। ये जी म्यांगदोंग स्ट्रीट, फेमस म्यांगदोंग स्ट्रीट, यहाँ पे आपको हर किस्म का कोरियन फूड, हलाल फूड मिल जाता है। ट्राई करता हूँ आज, कोरियन फूड कम खाता हूँ। ये हॉट डॉग पड़े हैं। नाइट जो है म्यांगदोंग की, शॉपिंग के लिए आना है तो म्यांगदोंग आओ भाई। सबसे ज़्यादा फॉरनर यहाँ पे आपको नजर आएंगे, बिकॉज ये दूसरा प्लेस है एक तुमान के पास जहाँ पे आपको फॉरनर बहुत ज़्यादा मिलेगा। आई थिंक फॉरनर्स को ये जगह लोग गूगल पे आप सर्च करें विजिटिंग के लिए, तो ये तुमान और जो म्यांगदोंग ये सबसे पहले आते हैं, तो सारे फॉरनर ना भाग के सारे यहाँ पे पहले आते हैं, ये मिस ना हो जाए। ये फुल व्यू है पीछे आप देख सकते हो, बहुत लंबी है यार, बहुत लंबी स्ट्रीट है ये ख़त्म। आप चलेंगे आप चल चल के थक जाएंगे, लेकिन म्यांगदोंग स्ट्रीट नहीं ख़त्म होने वाली, और हर जगह पे स्टॉप भी करेंगे जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती होती हैं ना। एक और ब्लॉगर सर लोग बैठ के स्केचेस बना रहे हैं, रियलिस्टिक तरीके से रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं, ऐसे मिट्टी का कंप्यूटराइज बना रहे हैं, लेकिन आपको सिखा रही है आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल रियलिस्टिक बना रहा है यार, अमेजिंग। फूड स्टॉल तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आपको खाना है कुछ भी खाना है तो फूड स्टॉल तो यहाँ पे को इंडियन पाकिस्तानी सारे यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ खानी पड़ेगी, निकला हूँ काफ़ी देर से खाया कुछ भी नहीं। जो बिल्डिंग है ये म्यांगदोंग का फेमस थिएटर है, ये थिएटर आज बंद है, लेकिन वैसे मोस्टली ना ओपन ही होता है, आई डोंट नो कि क्यों बंद किया है उन्होंने। ये बिल्कुल सेंटर में, म्यांगदोंग स्ट्रीट के सेंटर में ये थिएटर है। या तो तुर्किश किसी ने लगाया होगा, या तो किसी पाकिस्तानी या इंडियन ने लगाया होगा यहाँ पे स्टॉल। इसमें ये लाल है आपको दिखा, तो ये ऊपर इसने स्टिकर भी लगाया हुआ लाल का, वो ये लाल है। यहाँ से कुछ लेते हैं, स्टॉल लगा हुआ है, रोल मिल रहे हैं, यहाँ से कुछ खाते हैं, ये लाल का स्टिकर भी लगाया है। एक्चुअली सीन ये है कि आपने जब भी आना है ना म्यांगदोंग स्ट्रीट में, जब भी आना है तो अपने पास में कैश रखनी है। जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं पीछे सारे, अगर स्टॉल भी कोई चीज़ लेनी है आपको यहाँ से, कोई भी आपको चीज़ पसंद आएगी, तो आपको पहले बैंक जाना पड़ेगा। और मसला ये है कि अभी मैं पहले बैंक जाऊँगा, ये ऊपर बैंक है बोरी बैंक, मैं पहले बैंक जाऊंगा, वहाँ से मैं कैश निकलवाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ खा पाऊँगा। ओके आपके पास कैश नहीं है तो आप खाना भी नहीं खा सकते यहाँ पे, पहले जाते हैं बैंक, वहाँ से पहले तो कैश निकलवाते हैं। खुद ही खुल गया जी, तो ये कटिंग करेंगे, बैंक मेरा हो रहा है, ये हो रहा है। कैश तो मैंने बैंक से ले रही है, और अभी मैं जा रहा हूँ नई स्टॉल पर अगेन। So brother, I want chicken kebab one. बेटा lamb kebab था, lamb barbecue था, और दूसरा था chicken kebab। तो lamb तो मैं नहीं खा रहा, chicken kebab मैंने ऑर्डर किया, आप यहाँ से लूँगा और कहीं साइड में बैठ के खाऊँगा, फिर आपको मैं आगे लेके जाता हूँ। ओके ले लिए।
एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप आते हो जो पुलिस स्टेशन, उनके बाद कार्टून लगे हुए थे पुलिस स्टेशन के बाहर, कार्टून होते हैं ये देखो, कार्टून बनाए हुए उन्होंने, मतलब इतने फ्रेंडली होते हैं यहाँ के पुलिस वाले भी। ये बाहर सामने पुलिस स्टेशन है और सब बाहर देखिए आप कार्टून बनाए हुए उन्होंने पुलिस वालों के। वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, पीछे ये स्टॉल भी वेजिटेरियन फूड और हलाल फूड आपको बड़ा इजीली मिल जाता है यहाँ पे। ये स्वीट्स खाने वाली हलाल होती हैं, शहरी उस पर सारा कुछ होता है, सारे फ्रूट्स होते हैं तो आप इजीली खा सकते हो। ये सामने बना रहे हैं किमची टाइप की चीज़ें, ये बना रहे हैं पीछे किमची टाइप की चीज़ें, ये भी खाने वाली होती है, मतलब हलाल खा सकते हैं आप। मुझे ना यहाँ पे शुगर लेग सूख रहे, किसी के पास जाके मैं पूछता हूँ या डू यू हैव आंडे वाला बर्गर, ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम आया हूँ आपको एक चीज़ दिखाने वाली, नाइकी स्टोर में एंटर हो गए, नाइकी स्टोर पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये नाइकी स्टोर और ये आपका भाई साथ हाथ में उठाया हुआ इसने कबाब, नाइकी स्टोर। यहाँ पे आपको कोई लोगो नहीं नज़र आएगा ऊपर, ये सिर्फ नाइकी के एक छोटा सा लोगो नज़र आएगा, वो यस वाला। एक्चुअली यहाँ पे सीन ये है कि ये लोगो आपको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सारे लोगो पड़े हुए, ये आपको लोगो सेलेक्ट करना है, आपने कोई चीज़ भी यहाँ पे परचेज करनी है वो सामने, ये सामने बना रहे हैं एक्चुअली। फिर आपने यहाँ पे लोगो सेलेक्ट करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी आपको नाइकी स्टोर पे जाएंगे ना तो ये आपको ये मिलेंगे। बट जहाँ पे सोल में मेन योंगडोंग में है, ओके, ये आपको यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट करना है जस्ट टू वेट। ये देखो ये अच्छे हैं जस्ट टू वेट दोनों, ये अच्छे हैं दोनों, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है या तो इधर से सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा लोगो ऐसे नज़र आएगा, ये यूनिसेक्स है, ये लोगो ऐसे नज़र आएगा, ये ऐसे बना हुआ ना, लेकिन जो ये वाला प्रिंट होता है ना ये वाला, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे अभी 5-10 मिनट में ये सामने सारी शर्ट्स जो हैं, सारी शर्ट्स हैं बिल्कुल सादी हैं, बिल्कुल सिंपल शर्ट्स हैं, ये बिल्कुल सिंपल हैं, शूज़ भी बिल्कुल सिंपल हैं यहाँ पे। ये मुझे शर्ट पसंद आई है, देखो ये शर्ट है कितने की है, दिखाती हूँ 1,00,000 की है भाई। इंसान को इतना अमीर होना चाहिए कि नाइकी स्टोर के बाहर बैठ के किमची खाए बंदा, फुल इंजॉय कर रहे हैं भाई। महंगाई बहुत हो गई है, जिस चीज़ को हाथ लगाओ आगे 30,000-40,000-50,000 से नीचे आई नहीं। स्टोर पे आया हूँ, सियोल स्टोर है, सियोल नाम का स्टोर है, उसमें कुछ चीज़ लेते हैं। ये शर्ट मुझे कुछ अच्छी लगी, ये मैंने फाइनली डन कर लिया ये शर्ट, थोड़ी सी शॉपिंग डन। मेरे ख्याल है यहाँ से निकलना चाहिए आपको, मैंने स्ट्रीट दिखा दी है, अब आप एक्सप्लोर आप लोगों ने करनी है कि आगे कि कैसी है, कैसे खाने हैं यहाँ पे। एक्चुअली मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे शॉपिंग में, मैंने थोड़ी शॉपिंग भी कर ली है, मैंने चीज़ें खाई भी हैं। होप सो कि आप लोगों को मज़ा आया होगा व्लॉग का, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।